हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्त्री 95 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में या आपके भी रिश्तेदार किसी भी प्रकार का कोई पैसा, सरकारी पैसा, जैसे दोस्तों लाइक एज वृद्धा पेंशन, या फिर दोस्तों विकलांग पेंशन, या फिर दोस्तों विधवा पेंशन, या फिर दोस्तों पीएम आवास का दोस्तों जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के माध्यम से, वो दोस्तों आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में वो पैसा आया है या नहीं आया है दोस्तों, पेंडिंग है या फिर दोस्तों अंडर प्रोसेसिंग में रहता है दोस्तों 2-3 दिन पैसा, दोस्तों आप किस प्रकार से ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में लगातार अंत तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली नोटिफिकेशन और इससे महत्वपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन टेक्निकल की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, और गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें आपको ब्राउज़र में टाइप कर लेना है उमंग। दोस्तों इस तरह से आपको टाइप कर लेना है umang.gov.in। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने ब्राउज़र में इसे टाइप कर रखा है umang.gov.in, आपको इसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, उमंग वन ऐप मैनी गवर्नमेंट ऑफ सर्विस। दोस्तों इस ऐप के द्वारा दोस्तों सरकारी यानी ऑफिशियल ऐप है दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड। इसमें दोस्तों बहुत सारी सर्विसें आपको, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको सारी सर्विसों का लाभ यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एंड रजिस्टर। तो दोस्तों आपको लॉगिन एंड रजिस्टर यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन लेने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है वो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका क्रिएट अकाउंट, यानी आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना OTP, गेट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर OTP जाएगी, OTP आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। OTP डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, एक कैप्चा दोस्तों आपको इस पर फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों आपको इस पर आई एग्री वाले टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे दोस्तों आपके आपको एक नेक्स्ट पेज मिलेगा, उसमें दोस्तों आपको एक 4 अंकों का एमपिन बना लेना है। एमपिन बनाने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट है वो दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई हैव एन अकाउंट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों मैंने इसे यहाँ पर पहले से अकाउंट बना रखा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना जो एमपिन मैंने बनाया था वो दोस्तों एमपिन, और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा डालकर मैं दोस्तों आगे नेक्स्ट वाले बटन पर, यानी लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करके इसे लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एमपिन, अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दोस्तों फिल कर दिया। अब मैं लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसे आस्क मी लेटर कर देना है। जैसे ही आप इसे आस्क मी लेटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इधर दोस्तों आपकी आपकी प्रोफाइल जो आपने बनाई होगी उसका दोस्तों आप यहाँ से अपना EPFO, COVID-19, आयुष्मान भारत योजना, यहाँ से बहुत सारी सर्विसों का लाभ ले सकते हैं। इस तरह की सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर सर्विसें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ से जो भी सर्विस यहाँ से लेनी है दोस्तों आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका अगर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर दोस्तों विधवा पेंशन का पैसा आता है आपके अकाउंट में, और दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पैसा भी ट्रांसफ़र किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो दोस्तों आप किस प्रकार से चेक करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको PFMS का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों आपको इसमें सर्च कर लेना है PFMS, इस तरह से PFMS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा PFMS। तो दोस्तों आपको PFMS वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो नो योर पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ से पहले से ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जो भी है वो दोस्तों यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी बैंक जो भी है वो दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी अकाउंट नंबर और यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डिटेल है वो दोस्तों जितनी पेमेंट आपके अकाउंट में हुई है वो दोस्तों आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरह से दोस्तों इनकी जो दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन है वो दोस्तों इनके अकाउंट में इस तरह से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो बैंक का नाम और उसके बाद यहाँ पर इनका जो अकाउंट नंबर है, उसके बाद दोस्तों बेनिफिशियरी का नाम, उसके बाद दोस्तों पर्पज़ यहाँ पर UTR नंबर और दोस्तों जो अमाउंट इनके जो 1500 रुपये खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं वो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बैंक ट्रांजेक्शन डेट है वो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी जो पेंशन है, पेंशन का पैसा वो दोस्तों यहाँ पर सक्सेस हो चुका है इनके खाते में। उस इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताई है कि आप किस प्रकार से अपना जो पेंशन का पैसा है वो दोस्तों चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपना आवास का जो पैसा है वो दोस्तों चेक करना है तो आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, PMS पर नो एयर पेमेंट पर क्लिक करना और वो अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है और आपकी जो बैंक है वो यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो दोस्तों यहाँ से चेक हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।